नमस्कार, मैं सोनी ओझा, आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। केंद्र सरकार में जहां एक चाय वाले प्रधानमंत्री बने, वहीं निरसा के हाड़ियाजाम में गौतम चायवाला बन गए थे मुखिया और चला डाली थी गांव की सरकार। निरसा के विधायक हो या धनबाद के सांसद, सभी गौतम के कायल हैं। निरसा में बच्चे से लेकर बड़ों तक के जवान पर गौतम चायवाले का नाम आपको सुनने को मिल जाएगा। इनका स्वभाव इनके हाथों से बने चाय की तरह मिठास भर देता है, पर इस बार महिला सीट होने के कारण ग्रामीणों ने इनकी पत्नी कानन दत्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। इनके विपक्ष में एक मुर्गा बेचने वाले की पत्नी माला दास टक्कर दे रही हैं। निरसा के हाड़ियाजाम पंचायत में कल चुनाव होना है और निरसा ही नहीं, पूरे जिले के लोग की नजर इस सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि पिछले बार इस पंचायत के मुखिया गौतम चाय वाले थे, जबकि इस बार उनकी पत्नी, जो गौतम का हाथ बटाती थी, आज वह महिला सीट होने के कारण अपने पति की सल्तनत को चलाने के लिए मैदान में है। पर प्रखंड कार्यालय की गलत नीति का विरोध यहां के ग्रामीण कर रहे हैं। दरअसल चाय वाले के खिलाफ जो चुनाव मैदान में अपना ताल ठोक रही है, वह दूसरे पंचायत से आकर इस पंचायत में चुनाव लड़ रही है और उन्होंने चुनाव मैदान में उतरने से पहले अपना फर्जी पता दिखाकर चुनाव में खड़े हैं, जिसका विरोध लगातार ग्रामीण और खुद गौतम चाय वाले ने किया और लिखित में इसकी शिकायत चुनाव आयोग से लेकर जिला प्रशासन तक की। पर प्रत्याशी पति कांग्रेस के निरसा अध्यक्ष होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका विरोध चुनाव आयोग से पहले ही होने लगा। अब देखना यह है कि इस बार निरसा हड़ियाजाम के ग्रामीण फिर से अपने चहीते चाय वाले को मुखिया के रूप में चुनते हैं या मुर्गे वाले को, पर यह सीट काफी दिलचस्प हो गई है। कोई अधिकारी जांच नहीं किए हैं क्या इसमें? कोई अधिकारी इसमें जांच का विषय ही नहीं है। बोला तो आपका पंचायत में कोई लीक के दे दिया जो मेरा यहाँ 6 महीना किराए में। कौन आदमी है जो आज भी उसका देखते पिटाकेरी में बबलू दास का बोर्ड लगा हुआ घर में? हाँ, अब बबलू दास वहीं रह रहा है। अमित सिन्हा बोल के एक पत्रकार है, वो पत्रकार का ध्वज जमा के इधर उसका दिया और बोला मेरा घर में किराए में। वीडियो साहब को हम बोले तो वीडियो साहब बोला देख लिए कितना चलाक आदमी, उधर से नाम कटवा लिया इधर जोड़वा लिया। अब बताइए कोई बिहार में चुनाव लड़ेगा वहाँ हार जाएगा, यहाँ झारखंड में आके चुनाव लड़ जाएगा अगर इस तरह पदाधिकारी रहे तो? और हम तो चाहेंगे एक बार क्यों, हजार बार जब तक रहे वो मुखिया हमारा वही मुखिया हमें चाहिए। हम लोग कभी भी किसी वक्त भी उस मुखिया को रोक करके बोलते, पहली बार जब जीते थे वो साइकिल पर चल करके, कोई आदमी नहीं था उसके साथ में, कोई जनता नहीं, मगर साइकिल पर चढ़ करके भी वो मुखिया बने थे। साइकिल पर अपने से पोस्टर बैनर अपना साटते थे अकेला, उनका ना कोई प्रचारक था स्टार, ना कहीं टेम्पू था उनका, ना कोई वैन था, ना कुछ था, वो साइकिल पर अपना प्रचार करके खुद स्वयं कुछ व्यक्तिगत उनके साथ में कुछ जुड़ा हुआ था जनता का ऐसा प्रेम, जो कि अगले बार मुखिया बने थे। और मैं बोलता हूँ 110% इस बार भी वो आ रहे हैं। हमर वोटर लिस्ट में नाम इधर चढ़ा लिया हड़ियाजाम में, वो एक पत्रकार चाहे एक आदमी अमित सिन्हा के नाम से घर भाड़ा में दिखा रहा है, जबकि स्थित अभी आवास बबलू दास का, जो उसकी वाइफ का आवास पिटाकेरी पंचायत में ही है जी, पिटाकेरी पंचायत में पड़ता है। अब जो वोटर लिस्ट में कैसे चढ़ाया ये तो आपको ऊपर से ही जांच होना चाहिए ना, या फिर आपका सीओ करे, वीडियो करे, या फिर उनका जो जांच करते हैं वो लोग जांच करें कि ये इनका इस पंचायत में कैसे और इस वोटर लिस्ट में कहाँ से नाम आया। बबलू दास है आपका पिटाकेरी पंचायत का रहने वाला, वो हड़ियाजाम पंचायत का है ही नहीं। वो किस मकसद से यहाँ आए